नमस्कार मित्रों, पूर्वी मैदानी भाग का हम आज अध्ययन करेंगे। ये अरावली का जो है पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा थोड़े समय में। पूर्वी मैदानी भाग में कुल 10 जिले आते हैं, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर व अजमेर के कुछ भाग तथा बांसवाड़ा का कुछ भाग पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है। यह मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। इस मैदान का उत्तरी पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है। यानी कि जो अरावली पर्वतमाला का जो मैदानी भाग है उसका उत्तरी पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है। इसका ढाल पूर्व की ओर है और इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% है। कितना? 23%। यह मैदानी भाग 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा द्वारा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से विभाजित है। यानी कि जो 50 सेमी की समरेखा वर्षा है पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से, उस कारण ये विभाजित है। जनसंख्या राज्य की लगभग 39% जनसंख्या यहाँ निवास कर सकती है। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। वर्षा 50 से 80 सेमी वार्षिक के मध्य यहाँ पर होती है। जलवायु आर्द्र जलवायु है यहाँ की, गीली जल। मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ व दोमट मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 56 का मैदान या भाटी मैदान, यानी कि जो मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है उसको हम या तो 56 का मैदान कह सकते हैं या भाटी का मैदान कह सकते हैं। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर के मध्यवर्ती मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर के मध्यवर्ती मैदानी भाग को भी 56 का मैदान या भाटी का मैदान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ व दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। मुख्य फसलें हैं गेहूं, जो चना, जवार, मक्का और बाजरा यहाँ की मुख्य खाद्य फसलें हैं। तिलहन में सरसों है, दालें हैं, मूंग, उड़द, अरहर, गन्ना आदि भी यहाँ की फसलें हैं। इस क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है। इस प्रदेश का ढाल पूर्व दिशा में है, अतः सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। यानी इस प्रदेश का जो ढाल पूर्व दिशा में है, अतः सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। दक्षिणी मैदान क्षेत्र का ढाल पश्चिम में होने के कारण माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, न कि बंगाल की खाड़ी में। नहरें, भरतपुर नहर व गुड़गांव नहर, यहाँ पर दो नहरें आपको मिलेगी, भरतपुर नहर व गुड़गांव नहर। चंबल के बीहड़ व कंदराएं यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं। चंबल का बेसिन का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है यहाँ पर, और बनास बेसिन का ढाल उत्तर पूर्व व पूर्व की ओर है। यानी चंबल बेसिन का ढाल तो किस तरफ है? दक्षिण से उत्तर की ओर, जबकि बनास बेसिन का उत्तर पूर्व व पूर्व की ओर है। तो माही बेसिन का ढाल किस तरफ है? पश्चिम में गुजरात राज्य की तरफ है। विंध्य पठार व हाड़ौती का पठार स्थित है कहां पर? पूर्वी मैदानी भाग की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर विंध्यन पठार व हाड़ौती का पठार स्थित है। हाड़ौती में कौन सा पठार है? आडा वाला पर्वत या सुरकी पहाड़ी। इस बेसिन के पश्चिमी भाग देवगढ़ के आसपास को पिडमांट का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिन का जो पश्चिमी भाग है, देवगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, उसको पिडमांट का मैदान कहते हैं।
पूर्वी मैदानी भाग को निम्न तीन उप विभागों में विभाजित किया गया है। बनास बेसिन, पहला कौन सा आता है? बनास बेसिन। बनास व उसकी सहायक नदियां खारी, मोरेल, बेडच, मैनाल, कोठारी, काली सिंध, मासी आदि द्वारा सिंचित मैदानी भाग क्या कहलाता है? बनास बेसिन कहलाता है। यानी बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदानी भाग सिंचित होता है वो क्या कहलाता है? बनास बेसिन कहलाता है। बनास बेसिन का दक्षिणी भाग कहलाता है मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान एवं बनास, यानी कि जो बात करें बनास बेसिन का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान एवं बनास बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? मालपुरा करौलिका मैदान। यानी कि बनास का जो दक्षिणी भाग है वो तो कहलाता है मेवाड़ का मैदान और बनास का जो उत्तरी भाग है वो कहलाता है करौलिका मैदान, मालपुरा करौलिका मैदान। इस मैदान की अधिकतम ऊंचाई पश्चिम में राजसमंद की तरफ है जहां सबसे ऊंचा भाग देवगढ़ के समीप 582 मीटर स्थित है। बनास बेसिन में शामिल राज्य के उदयपुर जिले का पूर्वी भाग, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, राजसमंद का पूर्वी भाग, जयपुर, पश्चिमी सवाई का पूर्वी भाग, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर एवं अलवर के दक्षिणी भाग तक इसमें शामिल है। बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग या मालपुरा करौलिका मैदान, बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग या मालपुरा करौलिका मैदान कटाफटा एवं बीहड़ युक्त है। कैसा है बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग या मालपुरा करौलिका? कटाफटा एवं बीहड़ युक्त है जिसका ढाल दक्षिण पूर्व एवं पूर्व की ओर है। इस भाग में बलुए पत्थर के विशाल जमाव है जहां इसका खनन किया जाता है। दक्षिण पूर्व में किस भाग में किया जाता है? दक्षिण पूर्व में। यह मैदानी भाग पश्चिम में 50 सेमी वार्षिक समवर्षा रेखा द्वारा पृथक है। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन क्षेत्र की स्थलाकृति का या फिर स्थलाकृति है। इसकी संपूर्ण घाटी में नवीन कॉपीय जमाव मौजूद है, यानी उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है और इसकी संपूर्ण घाटी में नवीन कॉपीय जमाव मौजूद है। इस संपूर्ण क्षेत्र की स्थलाकृतियां पहाड़ों और पठारों से निर्मित है। इस बेसिन में विशाल बीहड़ है। इस क्षेत्र, इस मैदानी क्षेत्र में शामिल है कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर। अब बात करें हम 56 के बेसिन की। माही एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित दक्षिणी भाग वागड़ नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो दक्षिणी क्षेत्र सींचा जाता है वो वागड़ के नाम से फेमस है। 56 का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? 56 का मैदान। 56 बेसिन में शामिल है दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के क्षेत्र। किसमें शामिल है? 56 बेसिन में। इस क्षेत्र का ढाल पूर्वांक अधिक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है।
दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, हाड़ौती का पठार या लावा का पठार कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को हाड़ौती का पठार या लावा का पठार कहते हैं। पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। इसमें कुल 7 जिले आते हैं। हाड़ौती संभाग पूरा, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व बिलवाड़ा के कुछ, ठीक है, बिलवाड़ा का कुछ पार्ट। यह मालवा के पठार का ही एक भाग है तथा चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। इस क्षेत्र में राज्य का लगभग 7% भाग आता है। कितना? 7%। और राज्य की कुल जनसंख्या का 11% भाग यहाँ पर निवास करता है। वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर तक होती है और राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। मिट्टी काली उपजाऊ मिट्टी, लाल और कछारी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। धरातल पथरीला व चट्टानी मिलेगा। जलवायु अति आर्द्र जलवायु प्रदेश से। फसलें कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू, चावल, धनिया, मेथी और संतरा यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। वनस्पति की बात करें तो लंबी घास, झाड़ियाँ, बांस, खेर, गूलर, सालर, धोक, डांक और सागवान यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। यह संपूर्ण प्रदेश चंबल और उसकी सहायक नदी काली सिंध, परवन और पार्वती नदियों द्वारा प्रवाहित है। यानी कि जो संपूर्ण चंबल प्रदेश है हाड़ौती की, ये वाला चंबल और उसकी सहायक नदियां काली सिंध, परवन और पार्वती के द्वारा प्रवाहित है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, इसी कारण चंबल व इसकी कई सहायक नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है। पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। कौन सा प्रदेश है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इस भूभाग के दो भाग हैं, पहला विंध्यन कागार भूमि और दूसरा दक्कन का लावा पठार। यानी कि संक्रांति जो पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच जो संक्रांति प्रदेश, उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और इस भूभाग के दो भाग है, विंध्यन कागार भूमि और दक्कन का लावा पठार। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां इसी पठारी भाग में है। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां इसी पठारी भाग में है। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां इसी पठारी भाग में है और यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। उपरपाल का पठार एवं मेवाड़ का पठार इसी के भाग है। ऊपर माल मतलब बिजोलिया और भीलवाड़ा, मांदलगढ़, चित्तौड़गढ़ के साथ जो पहाड़ कनेक्टेड है वो उपरपाल का और मेवाड़ का पठार, यानी कि जो मेसा का पठार, ये सब इसी के पार्ट है। अब बात करें अरावली की जो सबसे प्रमुख चोटियां हैं, उसमें गुरु शिखर सिरोही में है 1722 मीटर ऊंची, शेर सिरोही में है 1597 मीटर ऊंची, दिलवाड़ा सिरोही में है, इसे हाल ही में जोड़ा गया है। इसी पर्वत पर प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है 1442 मीटर। जरगा उदयपुर 1431 मीटर, ओके। अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर, खो 920 मीटर जयपुर, तारागढ़ अजमेर 870 मीटर, भेरोच अलवर, तोशाम हरियाणा, दुलहेड़ी हरियाणा। ये अरावली पर्वतमाला की प्रमुख सबसे बड़ी से छोटी पहाड़ियां हैं जिनका विस्तार मैंने आपको बताया। सो गुड बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज क्लिक बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।